हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा, और नाना धोना भी हो गया है, मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ राजमा, रात को ही भिगो के रखा था मैंने और बॉईल भी कर लिया है। तो अब मैंने ये प्याज काटा है, इसको पीस लिया है, कढ़ाई में डाला है ऑयल, और ये डाला है यहाँ पे राई, और जीरा डाल दिया है, और ये प्याज लहसुन वगैरह पीस के रखा है वो डाल दिया है। जब तक प्याज भुनता है तब तक मैं यहाँ पर टमाटर कट कर लूँगी। एक टमाटर बड़ा वाला लिया है मैंने, उसको मैं कट कर लूँगी, इसको भी मैं पीस लूँगी, चॉप भी कर सकते हैं आप चाहो तो। तो मैं यहाँ पीस रही हूँ। प्याज पक गया है तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्ची, हल्दी और जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मसाला, और ये टमाटर भी पीस के डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर नमक, इसको अच्छे से पका लेंगे। जब मसाला पक गया है, तेल सेपरेट हो गया हल्का सा उसमें, तो अभी मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें। थोड़ा और डाला है। अब ये राजमा ले लिए मैंने बॉईल किए हुए, इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया था। ये जो लाइट कलर के राजमा आते हैं वो वाले हैं, डार्क कलर वाले नहीं हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बॉईल करने में, उसमें लगभग 10 सीटी तो लेनी पड़ती है, 8 से 10 सीटी। ये 7 से 8 सीटी में अच्छे से गल जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर ये वाले ही लेकर आती हूँ। और यहाँ पर रख दिए मैंने साइड में राइस, नमक डाला है इसमें और 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने से राइस एकदम खिला खिला बनता है और टेस्टी लगता है, और कुकर में चिपकता भी नहीं है। तो फुल गैस पे मैं इसमें राइस में 1 सीटी लूँगी और स्लो गैस पे 1 सीटी। राजमा हमारा डन हो गया है, गैस ऑफ किया है मैंने। अभी धनिया वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो डाला नहीं है। और ये मैंने बना दिया सलाद, ककड़ी, टमाटर, प्याज, और राइस हमारे हो गए हैं। ये देखिए कितना बिखरा बिखरा खिला खिला दाना बना है। ये हो गई हमारा लंच रेडी, राजमा और राइस। अब ये हो गया इवनिंग टाइम, लगभग 5:30 बज रही है, तो दूध आया है, तो ये दूध रखा है मैंने कुकर में गरम, और जो बर्तन रखे हैं उनको मैंने खाली कर दिए, सारे सेट कर दिए, और राइस भी थोड़े से बचे हैं उनको भी खाली कर लूँगी और बर्तन क्लीन करूँगी। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो वो करूँगी। खाना खाकर मैंने थोड़ा वीडियो एडिट किया था, तो ये बर्तन वर्तन सब ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। तो ये मैंने लिक्विड निकाल लिया है, तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन।
इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, तो यहाँ एंड करती हूँ मैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।